हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी और आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल लेके आ गई हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की न्यू न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने बालों की साइड पार्टीशन कर ले रही हूँ, देन ईयर टू ईयर पार्टिंग कर लेंगे। ईयर टू ईयर क्या, बस जैसे इतना सारा हेयर लेना है, ये देखिए इतना हेयर लेके इसको ऊपर में ही सेट कर देंगे। ओके, अभी बैक वाले बालों को एक रबर बैंड की मदद से पोनी बना लेंगे। इतना हेयर लेने के बाद से अगर आप पोनी बनाते हो तो बहुत ही कम बाल बचेंगे आपके, बहुत ही पतले से हेयर बचेंगे। तो उसको टाइटली एक पोनी बना लोगे। अब इसमें आपको बन बनाना बहुत ही दिक्कत होगा, तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक इस तरीके का हेयर स्टाइल टूल आता है, इससे आप बन को बना सकते हो या फिर आप डोनेट बन का भी यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से लिया है, एंड तक लेके जाएंगे और अच्छे से पूरा इसको लपेटेंगे नीचे तक, ऊपर की तरफ लेके आएंगे इस तरीके से पूरा राउंड करके। और इसको यू पिन से सिक्योर कर देंगे। ओके, अभी आपको ऊपर वाले हेयर्स को ओपन कर लेना है। और साइड पार्टीशन मैंने रखी है यहाँ पे, आप मिडिल पार्टीशन से भी ये बन बना सकते हो। ओके, तो साइड पार्टीशन रख लिया है। तो उसके बाद से आपको यहाँ से साइड पार्टीशन हमने की हुई है, यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा सा लेयर लेना है बालों का, थ्री पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड कर लेना है। देन इसमें ब्रेड बनाते जाना है, एकदम पतला पतला सेक्शन लीजिएगा गाइस, जिससे कि जो आपका हेयर स्टाइल है उसका लुक अच्छा आ जाए। इस तरीके से बनाते जाएंगे। इस तरीके का बन आप साड़ी वगैरह पे भी बना सकते हो, एंड अगर आप सूट पहन रहे हो तो भी अच्छा लगेगा। इंडियन वेयर के साथ ये हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छा दिखेगा। यहाँ से मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर रही हूँ ताकि आप लोग का भी टाइम वेस्ट ना हो। थोड़ा थोड़ा लेयर लेके और इस तरीके से बनाते जाएंगे। जितना हेयर हमने छोड़ा था वो पूरा हमारे ब्रेड में आ चुका है, अब इसको सिंपली चोटी बना लेंगे। पूरा गूंथ लेंगे एंड तक।
एंड तक गुथने के बाद से यहाँ पे एक रबड़ बैंड यूज करेंगे जिससे कि हमारा जो बन चोटी है वो खुल ना जाए बाद में। उसके बाद इसको थोड़ा थोड़ा सा खींचेंगे, पूरा यहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट से। अब इस ब्रेड को पीछे की तरफ से लेके जाएंगे और बन के ऊपर से लेके आएंगे और नीचे से लाके यू पिन की मदद से ब्रेड के नीचे करते हुए यू पिन से इसको सिक्योर कर देंगे। कुछ इस तरीके से। अब सेम इसी तरीके से आपको इस साइड भी बना लेना है। टाइटली बनाना है, लूज नहीं छोड़ना है हेयर स्टाइल को। प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी, आप लोग के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ हेयर स्टाइल की मैं आप लोग के लिए लेकर आ पाऊँ। और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि बढ़िया से बढ़िया वीडियोज़ मैं आप लोग के लिए लेकर आ पाऊँ, हेयर स्टाइल की आसान भी हो और स्टाइलिश भी हो, और आप जो कि आप बहुत ईजिली बना सको, खुद से बना सको। सेल्फ वीडियोज़ मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। अब इस वाले लेयर को इस साइड से लेके जाएंगे और बन के चारों तरफ लपेटते हुए अंदर की तरफ से नीचे की तरफ से ये लेयर को लेके आएंगे और यू पिन से सिक्योर कर देंगे। तीन चार यू पिन यहाँ पे ऐड कर लेनी है जिससे कि हमारा जो हेयर स्टाइल है वो खुल ना जाए। जहाँ से भी आपका ये हेयर स्टाइल टूल जो हमने लगाया था फ्रंट में बन के पास उस वो दिख रहा है, तो अच्छे से उसको सिक्योर कर लीजिएगा। ओके अच्छे से इसको खींच के सेटिंग स्प्रे लगा देंगे और बालों को अच्छे से बेबी हेयर्स को सेट कर लेंगे। सेटिंग स्प्रे अगर आपके फेस पे भी लग जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान दीजिएगा कि आंखों में नहीं जाए। अब इसको आप थोड़ा सा और खूबसूरत लुक देने के लिए हेयर स्टाइल को फ्लावर्स से सजा सकते हो जिससे कि आपका जो हेयर स्टाइल का लुक है वो और भी अच्छा आ जाएगा, और ये साड़ी के साथ, सूट के साथ, इंडियन वेयर ड्रेस के साथ काफ़ी अच्छा लगेगा, स्टाइलिश लगेगा। और लेयर्स मैंने यहाँ पे नहीं निकाले हैं, लेकिन आप निकाल लीजिएगा, लेयर्स के साथ ही ये हेयर स्टाइल और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा।
इसको थोड़ा टाइटली लुक टाइट करने के लिए आप एक दो यू पिंस ऐड कर सकते हो ये ब्राइड के बीच में, जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। और ये हमारा हेयर स्टाइल कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा गाइस। देन बन भी काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। फ्रेंड्स ये है बन का फाइनल लुक, कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और भी इस तरीके की हेयर स्टाइल्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। यहाँ से भी आप चाहो तो इसको थोड़ा थोड़ा खींच के, अच्छा खींच के चौड़ा कर सकते हो, जिससे कि इसका लुक अच्छा आए।